रविवार होशियारपुर के कस्बा माहिलपुर की दाना मंडी में दिन दहाड़े किसान के हुए कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। होशियारपुर पुलिस ने महज 7 दिनों में ही मृतक किसान सुखदेव सिंह के कत्ल की वजह पता लगाकर कातिलों तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। होशियारपुर पुलिस के मुताबिक किसान सुखदेव सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी अमनप्रीत कौर और बेटी जसप्रीत कौर ने करवाया। हत्या की वजह बिल्कुल चौंकाने वाली थी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। आरोपी बेटी जसप्रीत कौर ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले ही फेसबुक जरिए उसकी इंग्लैंड में रह रहे गुरप्रीत सिंह से फ्रेंडशिप हो गई और रोजाना फेसबुक पर उससे बात किया करती थी, लेकिन उससे मिली कभी नहीं थी। पिता सुखदेव सिंह को उसका रोज फेसबुक चलाना पसंद नहीं था और इसी बात से घर में अक्सर वह अपनी पत्नी अमनप्रीत कौर के साथ झगड़ा करता था और मारपीट करता था। इसी बात से तंग आकर बेटी जसप्रीत कौर ने अपने इसी फेसबुक फ्रेंड गोपी से अपने बाप को सबक सिखाने की बात कही तो गोपी ने इंग्लैंड में ही अपने एक साथी मनप्रीत सिंह बैन से बात की और होशियारपुर में सुपारी देकर जसप्रीत के पिता को मौत के घाट उतार दिया। लड़की बार बार फेसबुक पर करती थी, वो थोड़ा सख्त किस्म का शकी सवाल व्यक्ति सी, जो कि माँ का धीन दोहों ज़्यादा कुटमार करता थी। इसे रजिस आके गुरप्रीत ढिलों गल की, तो गुरप्रीत ढिलों ने इंग्लैंड अपने खुद दोस्त मनप्रीत गल की, जिसने इतों लोगल बंदे हायर करके सट्टा मरवा के कत्ल कर। हाल की घड़ी से 10,000 रुपया चिल्डर तक पहुंचा, बाकी सुपारी हजन देनी सी, बाकी डिटेल के तफ्तीश की जा रही है। जल्दी ही सारे पता सामने आ जाएंगे, कोशिश जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगा। हूँ तक पुलिस ने अमनप्रीत कौर वाइफ, जसप्रीत कौर डॉटर दोहन गिरफ्तार कर लिया, बाकी दोषी जल्दी गिरफ्तार। उन्होंने जल्दी तो जल्दी बाहर गवर्नमेंट ना तालमेल करके RCM नोटिस जारी करके हिंदुस्तान ले आते जाएंगे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने आरोपी बेटी जसप्रीत कौर और पत्नी अमनप्रीत कौर को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है कि जिन हत्यारों ने सुखदेव सिंह का कत्ल किया है वह कौन थे और उनका विदेश में बैठे गोपी से संपर्क कैसे हुआ। पुलिस के मुताबिक सुपारी की कीमत में से 10,000 रुपये एडवांस जरूर दिए गए थे। पुलिस विदेश में बैठकर कत्ल करवाने वाले गोपी और मनप्रीत सिंह बैंस को भी पंजाब लाने की बात कर रही है। इंडिया 24 के लिए होशियारपुर से अमरीक कुमार की रिपोर्ट।